नमस्कार प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अंगिता, आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। प्रयागराज यमुना नदी भयानक बाढ़ के कारण लोगों में अफरा तफरी। यमुना नदी में बाढ़ की भयानकता को देखते हुए कचहरी ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं यमुना नदी के किनारे बसे कुछ गाँव से आम लोगों का संपर्क समाप्त हो रहा है, जो कि पूर्ण गाँव को जोड़ने वाले संपर्क मार्गों पर तेज बहाव के साथ बह रहे बाढ़ के पानी के कारण रास्तों पर लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, जिसके कारण पूर्ण गाँव में आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने की संभावना जताई जा रही है। जबकि यमुना नदी का पानी पूर्व की घाट अभी भी अपने उसी विवेक से बह रहा है। वहीं विभागीय आंकड़ों को भी देखा जाए तो उनमें भी दर्शाया जा रहा है कि गंगा नदी और यमुना नदी में निरंतर जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण यमुना नदी के किनारे बसे दर्जनों गाँव हालात बंद से बदतर होने की संभावना बताई हुई है। तो वहीं कुछ लोग अपने घर में रहने वाले सदस्यों, जिनमें महिलाएं, बच्चे व बूढ़े शामिल हैं, उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर केवल पुरुष ही किनारे बने घरों में निवास कर रहे हैं और स्थिति का निरंतर जायजा लेने में लगे हुए हैं। वहीं सुजीवन देव मंदिर के पास बने यात्री रैन बसेरे बाढ़ के पानी में पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से रोहित प्रजापति की रिपोर्ट।